साल 2018 में जीरो के फ्लॉप होने के बाद अब शाहरुख खान पठान लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और इस समय खूब चर्चा में है। फिल्म को लेकर जहां शाहरुख के फैंस एक्साइटेड हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है। हालांकि पूरी टीम जोर शोर से प्रमोशन में जुटी हुई है, लेकिन इस बार SRK का तरीका थोड़ा अलग है। वो किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना तो इंटरव्यू दे रहे हैं और ना ही किसी रियलिटी शो में जा रहे हैं। इस बार वो खुद अपने फैंस से रूबरू हो रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए उनसे जुड़ रहे हैं और अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने द कपिल शर्मा शो की टीम को शो में आने से इनकार कर दिया है और सलमान खान के शो बिग बॉस 16 के मंच पर भी जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। बता दें, सलमान भी पठान फिल्म का हिस्सा है, वो इस फिल्म में स्पेशल कैमियो रोल में नजर आएंगे। ऐसा माना जा रहा था कि शाहरुख और सलमान एक साथ मिलकर बिग बॉस 16 में फिल्म को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। शाहरुख शो के एक एपिसोड में नजर आएंगे जो अगले हफ्ते टेलीकास्ट होगा। वहीं अब एक लीडिंग वेबसाइट से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि शाहरुख बिग बॉस में नहीं जा रहे, वो सीधे अपने दर्शकों तक पहुंचना पसंद करते हैं। सूत्र ने यह भी बताया कि कपिल शर्मा और उनके शो की टीम की तरफ से कई बार रिक्वेस्ट की गई, लेकिन शाहरुख ने बहुत ही विनम्रता से उन्हें मना कर दिया। बताया जा रहा है कि फिल्म ने अपना मोमेंटम पकड़ लिया है और इस बार शाहरुख जो मीडिया से मुखातिब होने से बच रहे हैं, बिना किसी मीडिया प्रमोशन के फिल्म की रिलीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लगता है शाहरुख पठान को लेकर और विवाद नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने कपिल और सलमान के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ये वही कपिल शर्मा है जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया था और अब खुद शाहरुख ने कपिल के शो में पठान को प्रमोट करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, पठान विवादों की वजह से भी चर्चा में है। इसके गाने बेशरम रंग को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। इसमें दीपिका के डांस मूव्स और उनकी बिकनी के रंग पर आपत्ति जताई गई थी। लोगों ने फिल्म को बहिष्कार तक करने की बात कही है। ट्विटर पर पिछले कई दिनों से हैशटैग बॉयकॉट पठान ट्रेंड हो रहा है और लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जगह जगह पर शाहरुख के पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, लोग जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं। बताते चले, पठान को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। 250 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। देखने वाली बात अब ये होगी कि शाहरुख की पठान का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।